जी नमस्कार रमेश जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है, कृपा है, अल्लाह का फजल है। जी जी तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगी आपसे जानना कि पहले तो आप अपने और अपने स्कूल के बारे में हम सबको बताएं कि आप कहाँ पे हैं, स्कूल किस तरह के इलाके में है, वहां पे बच्चे किस तरह के आते हैं, वालदेन का क्या रवैया रहता है, तालीम की क्या स्थिति है वहां पे, थोड़ी सी आप तफसील से अपने बारे में बताएं और अपने स्कूल के बारे में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश कुमार सचदेवा, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सिरसा में मंडी डबली एक जगह है, उसके पास एक गांव है शेरगढ़, जहां पर मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है। स्कूल में मोस्टली जो है बच्चे गांव के आते हैं, परंतु यह जो एरिया है ये हरियाणा पंजाब राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है, और स्कूलों की पिछले वर्ष तक बाढ़ सी आई हुई थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उतने स्कूल नहीं है जितने स्कूल मेरे सब डिविजन में है, इसलिए हर गांव में स्कूल खुल गए हैं, इसलिए कोई भी स्कूल जो है वो अब मैनेज नहीं कर पा रहा है फाइनेंशियली। स्ट्रेंथ सारे स्कूलों में डे बाय डे कम हो रही है। दूसरा, यहाँ पर जो बच्चे हैं क्रिएटिव हैं, सिंसियर हैं, बट जैसा सारे जगह पर होता है कि गांव के बच्चों की अपनी ही समस्याएं होती हैं। सबसे पहली समस्या उनकी लाइट की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, फिर गाइडेंस उनको नहीं है, और गांव के बच्चों की आजकल जो बड़ी समस्या है हरियाणा पंजाब में, हरियाणा पंजाब में वो खेत में रहते हैं, उसको ढाणी बोलते हैं, ढाणी। तो जब वो ढाणी में रहते हैं तो वो सोशली भी कट ऑफ हो जाते हैं, यानी कि उनकी कोई फ्रेंडशिप नहीं होती, वो अपने किसी क्लासमेट से, किसी फ्रेंड से मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, और घर में ही, और वो घर की जो एक्टिविटीज है उसमें ही वो ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। उस कारण से वो स्कूल में जो है जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाते हैं। माँ बाप जो है उनको कोई चाह करके भी मदद नहीं कर पाते हैं, और हरियाणा पंजाब में, वैसे तो सारे देश में ही होगा परंतु मैं मेरे लिए की ही बता सकता हूँ कि यहाँ पर बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो काम है वो एक ही है कि क्लास पास करनी। और आमतौर पर मैं यहाँ अपनी बात मानना कोई गुरेज नहीं समझता, अक्सर प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल 9th क्लास तक बच्चों को सीधे प्रमोट करते जाते हैं, पर हम इसको कह देते हैं कि सरकार कहती है और प्रमोट करते जाते हैं, और प्रमोट नहीं करते हैं, सच से जानना चाहते हैं तो माँ बाप सुनना भी नहीं चाहते, उनको लगता है हमने फीस दे दिया इसका मतलब है पास सर्टिफिकेट, और जिसकी जाकर के हर बच्चा फिर 10th क्लास में जाकर के जो है वो एक ट्यूशन और ये वो तरीके करता है, और फिर एक साल में वो आम पका कर करके जैसे खाए जाते हैं वैसे खाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर करके मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे एरिया में जो है बहुत एजुकेशन का स्तर बहुत ही पुअर है, उसका बड़ा कारण टीचर्स भी हैं। हमारे यहाँ पर अभी जो डिग्री कॉलेज है वो अभी खुला है 2 साल पहले, तो उस कारण से अब ग्रेजुएट निकलेंगे करेंगे, तो कुछ ऐसी हो है। और बाकी समस्या यही है कि खासतौर पे बीएड आजकल प्रॉक्सी में होती है, सिर्फ डिग्री ले जाओ तो वहां से भी ट्रेन टीचर नहीं निकलते हैं। हरियाणा पंजाब में बहुत बड़ा बिजनेस है, और एजुकेशन में इस टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि माफिया ग्रुप अटैच हो चुका है, इतना बड़ा माफिया इसमें आ गया है कि कंप्लीट जो सोशली इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर करके एक एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देम, सेम इज विद मी नाउ एट दैट टाइम। आज हम भी सोच रहे हैं कि हमने जो है, क्योंकि मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, मेरी डबली में, मैं इस लाइन में आने के लिए डबली में 23 दिसंबर 1995 को डीएवी स्कूल में एक फायर ट्रेजडी केस हो गया था, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट फायर ट्रेजडी है किसी स्कूल, और मैं भी उसका विक्टम हूँ। उस विक्टम के बाद लगा कि ईश्वर ने मुझे जो है रीबर्थ किया है, दोबारा जन्म दिया है, तो मुझे कुछ सोशली समाज को कुछ देना है, इस मिशन से इसमें आए थे। आज वो मिशन पूरा नहीं होता नजर आ रहा, जिस कारण से तनाव भी रहता है, और शिक्षा को लेकर करके सरकारों की भी जो नीतियां हैं खोखली नीतियां हैं उसको लेकर के भी तनाव रहता है। जैसा अभी हमने देखा कि कोरोना में जितने बुरा हाल एजुकेशन का हुआ है शायद ही किसी प्रोफेशन का हुआ होगा, क्योंकि एकदम से एक्सीडेंट हो गया, ना बच्चे तैयार थे, ना टीचर तैयार थे, ना स्कूल तैयार थे, ना पेरेंट्स तैयार थे, तो
एक ऐसी स्थिति बन गई है, कुल मिलाकर करके बहुत ही पुअर स्थिति कह सकते हैं। बिल्कुल जी जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया रमेश सचदेवा जी, क्योंकि मैं तो बार बार यही कहती रही हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से, बार बार यही कहती रही हूँ कि जहां भी मौका मिला वहां कि देखिए सारे सेक्टर्स खुल गए हैं। सिर्फ अगर नहीं खुला था तो एक एंटरटेनमेंट यानी के सिनेमा हॉल वगैरह, और दूसरा हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो मुझे ये समझ आता कि क्या हम उस कैटेगरी में आ गए हैं कि जो शिक्षा का महत्व है वो क्या एंटरटेनमेंट के बराबर हो गया है। बाकी और जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी खुल चुकी थी, और इसकी यहां, यहां, यहां मैं ये भी बात कहूंगा, एंटरटेनमेंट का तो जरिया टीवी ऑलरेडी है, डिश ऑलरेडी है, वहां पर फिल्में चल रही है, उसकी तो पूर्ति हो रही है। कि एजुकेशन ही ऐसा हाल था जिसको मैनेज कर पाना, क्योंकि छोटे बच्चों को फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है, और सबसे बड़ी बात क्या है, दोस्ती एक बहुत बड़ी चीज है। अब आने वाले टाइम में ये बच्चे किसको दोस्त मानेंगे, किसको क्या कहेंगे, ये तो एक बहुत बड़ी खाई खड़ी खुद गई। मैं तो यहाँ ये भी कहना भी चाहूंगा कि ये तो किसानों ने कोरोना भगा दिया, नहीं तो ये गवर्नमेंट तो 2-3 साल इसको छोड़ती नहीं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, और यकीन जानिए कि आप तो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे हैं, लेकिन मैं तो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे हूँ, बल्कि सेंटर में ही हूँ। तो यहाँ भी ये हाल था कि एक एक घर में कई कई बच्चे हैं और उनके पास गैजेट्स नहीं है क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो पेरेंट्स क्या करें, छोटे बच्चों को पढ़ाए कि बड़े को, ये बीच वाले को। और कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास मोबाइल स्मार्टफोन की भी सुविधा नहीं है, तो ऐसे में इतनी परेशानी हुई है कि सिर्फ 10-15% बच्चों ने, इस तरह के जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के हैं, उनके सिर्फ 10-15% बच्चों ने ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की। अब आप ये बताएं कि जो और पूरे 75-85% बच्चे हैं, उनका क्या होगा जो पूरा उन्होंने एक साल से ज्यादा का टाइम अपना उन्होंने निकाल दिया। तो ये सही में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसपे जितनी गंभीरता से सोचना चाहिए था, माफ कीजिएगा, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। और पेरेंट्स को भी मैं तो कहती हूँ, पेरेंट्स इतने इत्मीनान से है कि हाँ हमने तो मान ही लिया कि एक साल मेरे बच्चे का चला गया। भाई बच्चे का एक साल कैसे चला गया, उसका फिजिकल ग्रोथ तो नहीं रुका ना, उसका उसका जिस्म बढ़ रहा है, उसके हाथ पांव बढ़ रहा है, तो सिर्फ उसका अपने कॉग्निटिव एंड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ही पे आपने रोक लगा दिया, उसको अपने प्रॉपरली डेवलप होने का मौका नहीं दिया। चलिए खैर रमेश जी, ये तो बातें होती रहेंगी। अब आप ये बताएं कि आपने कुछ टीचर्स का भी जिक्र किया बीच में, तो इस सूरत हाल में हमारी बेचारी जो टीचर्स हैं उनका क्या हाल रहा, उनके सैलरी का क्या हाल रहा और उनके मोटिवेशन का क्या हाल रहा? नहीं देखो, मैं यहाँ ना एक बात कहूंगा कि सैलरी का तो ऐसा समझो नाम के बराबर ही रहा। अच्छा, दूसरा क्या है, एक समस्या क्या आई कि इस सारे में प्राइवेट कोचिंग प्रोफेशन एकदम से डिवेलप हो गया और टीचर ने अपनी कंसंट्रेशन उधर कर ली, क्योंकि स्कूल पे नहीं कर पा रहे थे, फीस नहीं आ रही थी, और उन्होंने ये वे आउट सोचा, और उससे जो है टीचर ने अपनी ग्रोथ भी रोक दी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है टीचर को, मैं बताता हूं, मैं खुद ही, मैं बड़े 30 सालों से इस प्रोफेशन में हूँ जी जी, और इंग्लिश टीच करता हूँ वैसे, ठीक है, क्योंकि हम इस एरिया में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, मैं ये कह सकता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं दिल की बात हिंदी में करूंगा, इसलिए आपसे ये कह रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अब मैंने जो था, मैंने इंग्लिश पढ़ाते हुए, मैंने यूपीएससी की जो टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो वो प्रेपरेशन कराते हैं, हमने हमारे जो बच्चों ने ऑनलाइन क्लास लगाई, हमने उनको ग्रामर उस लेवल पर करवाई और दे आर बेनिफिटेड, और मुझे लगा उससे मैं भी बेनिफिट हो गया। मुझे आज तक इंग्लिश में बहुत सी सार हेल्पिंग वर्ब और एक्चुअली वर्ब में एक्चुअल डिफरेंस क्या है मुझे आज तक नहीं पता, परंतु ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है एक बच्चे ने सवाल करा, वहां से पता लगा। एक बच्चे से सवाल पूछा कि वर्ड क्या होते हैं, तो उसने एक बहुत बड़ी सी बात, बहुत बढ़िया सी बात कही, दीज आर द ड्रेसेस ऑफ द थॉट्स। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। हाँ, तो ये चीजें अपलिफ्टमेंट है, और टीचर्स का तो मैं ये कहूंगा कि टीचर्स ने उस लेवल पर अपनी कंसंट्रेशन नहीं की, क्योंकि हम रोते ज्यादा रहे कि ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। और मेरे कुछ टीचर थे बहुत अच्छे जिनको मैंने कहा कि आप जीरो पर मत रहो, यदि आपको 1000 भी मिलता है, यू कम, यू ज्वाइन, यू लर्न, और जिन्होंने ज्वाइन किया दे हैव लर्न्ड अ लॉट। Really? बिल्कुल,
5-7 टीचर ने तो डेडली सपोर्ट करा, मैं आई सल्यूट दम। मेरे अभी 2 टीचर ने ज्वाइन भी कर रखा है, 3 ने, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा कि भी गजब से ही सपोर्ट करा और अच्छा लगा। बिल्कुल, चारों टीचरों ने बहुत मेहनत। कहा जाता है कि जो सबसे बेस्ट तरीका सीखने का है वो टीचिंग ही है। हाँ, तो इसीलिए आजकल देखिए जो कई सारी ऐसी मेथोडोलॉजीज आ गई हैं स्कूल में सिखाने की, जिसमें कि हम फ्लिप टीचिंग के जरिए या टीच द टीचर के जरिए या इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज हैं जिसमें बच्चों को मौका मिलता है कि आप पढ़ाइए। और यहाँ हमारे इस शो में भी एक दिन फिक्स है बच्चों के लिए, अगर आप क्या भी कोई इतना स्मार्ट बच्चा हो तो आप भी उसको मौका दे सकते हैं। हम एक दिन करते हैं फ्राइडे को लर्नोवेट मिनी टीचर के नाम से, उसमें बच्चा टीचर होता है, वो हमें पढ़ाता है कोई भी चीज जो उसको बहुत अच्छी लगती हो, तो इससे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसको। So nice. तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाउ आई थिंक वी हैव सम टीचर्स विद अस, सो लेट्स मूव टू द टीचर्स एंड आस्क देम इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क।